हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। देखिए, हमने प्लानिंग कमीशन पढ़ा, हमने पढ़ा कि 6 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना था। उसके बाद हमने जाना कि उसको रिप्लेस किया गया था नीति आयोग से। तो वहाँ से ये नया टॉपिक जनरेट होता है कि नीति आयोग क्या है, क्यों रिप्लेस किया गया, वो सब कुछ। तो सबसे पहले नीति की फुल फॉर्म हमें पता होना ज़रूरी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। अब देखिए, सबसे पहले आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, बिकॉज बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे ये नोट्स आपके लिए, राइट। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखी है यहाँ पे, तो उसे जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हैज़ रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये एक थिंक टैंक है भारत सरकार का, मतलब सोच विचार करता है प्लानिंग के लिए। इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को अगस्त 13, 2014 में, राइट। एम क्या था इसका? टू इन्वॉल्व द स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। भारत में जो पॉलिसी बननी है, आर्थिक लेवल पे जो भी पॉलिसी बननी है, उसमें जितनी भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना, ये एम था नीति आयोग का, राइट। फिर आती है फॉर्मेशन की, ये बना कब है? तो जनवरी 1 को ये बना था। काम क्या था? टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको स्ट्रेटेजिक एडवाइस देनी है, टेक्निकल लेवल पे एडवाइस देनी है, ये नीति आयोग का काम था। और देखिए, जिस टाइम पे नीति आयोग बना था ना, उस टाइम पे एक स्लोगन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, जो कि था फ्रॉम प्लानिंग टू नीति, मतलब प्लानिंग से अब हम नीति की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया, अब हम आगे चलेंगे और अब हम जानेंगे मेंबर्स के बारे में कि कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं और करंटली कौन इसके मेंबर हैं, फाइन। तो आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे, राइट। अब देखिए, वहाँ पे जो भी प्राइसिंग डिटेल्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो मैं सॉल्व कर दूंगी। प्लस प्राइजेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखे हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छे खासे नोट्स मिल रहे हैं, वो भी हैंड रिटन, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह पे कलेक्टेड। तो बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस हैं रखे हुए मैंने। प्लस राइट नाउ मुझे ऐसे भी मैसेज आते हैं कि मैम, हमें इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी चाहिए, हमें कोई और सब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो देखिए, जो इकोनॉमिक्स है और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये दोनों सब्जेक्ट्स तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, है ना। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनके नोट्स भी बन के कम्प्लीट नहीं हुए हैं। जैसे ही कम्प्लीट होंगे, मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी मैसेज, या फिर मैं यूट्यूब पर पोस्ट डाल दूँगी, जिससे आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, अभी नोट्स अवेलेबल हैं टू परचेज। राइट नाउ 4 सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मिडिवल इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, राइट। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा नीति आयोग के मेंबर्स के पास ज़रा वापस आते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का? पीएम ऑफ इंडिया। भारत का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, वो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन बन जाएगा नीति आयोग का। अब इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है और एक रीजनल काउंसिल होती है, ठीक है। तो गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? CM of all states plus Lieutenant Governor of all the UTs. हर एक स्टेट का CM और हर एक UT का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वो गवर्निंग काउंसिल का मेंबर होता है। रीजनल काउंसिल का क्या कंसेप्ट है? रीजनल काउंसिल बनती है टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज इंपैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई इशू है तो वहाँ पे रीजनल काउंसिल बन जाएगी। किसी 2-3 स्टेट्स में कोई इशू है तो वहाँ पे एक रीजनल काउंसिल बन जाएगी, जो उसी चीज़ को जो है फोकस करेगी, बाकी इंडिया के लेवल पर उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मेंबर्स कौन से होते हैं? यहाँ पे मैंने एरो लगाया है, मतलब ये सारे सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल द यूटीज़ क्या होते हैं? रीजनल काउंसिल के मेंबर होते हैं। प्लस इनका कुछ स्पेसिफिक टेन्योर होता है, ये हमेशा हमेशा नहीं रहते हैं, इनका एक स्पेसिफिक टेन्योर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट, इनको नॉमिनेट किया जाता है पीएम के द्वारा। कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट, उनको नॉमिनेट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। एक इसमें वाइस चेयरपर्सन होता है, ठीक है, वो जो कि आजकल कौन है, श्री सुमन बैरी, अभी अभी इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। मेंबर्स जो हैं, दो होते हैं जो फुल टाइम होते हैं, एक सेक्रेटरी भी होता है एज डीम नेसेसरी, अगर ज़रूरत लगे तो होता है, अदरवाइज नहीं।
एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 4, यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा सीईओ। किसके सीईओ कौन है? श्री परमेश्वरम अय्यर, वो इसके सीईओ हैं। इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं 2, मैक्सिमम 2, 1 भी हो सकता है, ठीक है। नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैचुटरी बट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, नॉर स्टैचुटरी, ना ही ये बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है, ठीक है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैचुटरी बॉडी है, बट ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव समझते हैं जो किसी काम करने के लिए नियुक्त की जाती है, कार्यपालिका टाइप है ना। तो चलिए, हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। इसमें हमने जाना मेंबर्स के बारे में और हमने जाना नीति आयोग की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। किसको, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से सिद्धांत पे ये बेस्ड है, ऐसा आप सोच सकते हैं। सो ओवरऑल विजन ऑफ डेवलपमेंट, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। ओवरऑल नीति आयोग जो भी प्लान बनाएगी उसका विजन क्या है, विकास करना, राइट। अब विकास कैसे होगा, विकास इंक्लूसिव होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। इन तीनों के मीनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ डेवलपमेंट आइडिया, इनका डेवलप करने का आइडिया क्या था, ऑल राउंड, ऑल परवेसिव, ऑल इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक। तो ये थोड़े से वर्ड्स हैं, ये अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हो तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट रहता है। आगे चलने से पहले एक चीज़ और, देखिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया है, तो अब अगर आप चाहें तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है। अब ऐसा क्यों, तो बहुत सारे ऐसे मैंने यूट्यूब पोस्ट पे कमेंट्स देखे कि मैम आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, ठीक है, वहाँ से भी आपको जो है हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है। तो आप जल्दी से जाके मुझे अभी के अभी फॉलो करें, फाइन। अब हमें पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग, जैसे अंत्योदय क्या होता है, इंक्लूजन क्या होता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या है। तो ये सारे क्या हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो नीति आयोग को गाइड करते हैं। पहला है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी अपलिफ्टमेंट करना, ठीक है, उनका स्तर बढ़ाना। सेकंड है आइडिया, किसने दिया था अंत्योदय का, अंत्योदय का ना ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे स्टेट कमीशन हुआ था, तो उसमें था कि अंत्योदय का मतलब क्या होता है, तो वो होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, ठीक है। आइडिया किसने दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। पोइट थे एक, उन्होंने एक मतलब ये स्टेटमेंट सी कही थी, तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, देखिए क्या है, नथिंग इज मोर ड्रेडफुली पेनफुल देन पॉवर्टी, गरीबी से ज़्यादा दुख भरी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या है, टू एम्पावर वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट करना। वल्नरेबल है जो मतलब बहुत गंदगी में रहते हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, सरकार भी ध्यान नहीं देती, उन पर फोकस करना, ठीक है। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट, ओके। प्लस रिड्रेसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ ऑल काइंड्स, जितनी भी तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे देश में उनका भरपाई करना, उनको ज़रा मतलब कम करना उन इनइक्वालिटीज़ को। तो इसमें आ जाता है जेंडर, रीजन, रिलीजन, लड़का है या लड़की, एरिया के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इन्हें कम करना। फिर आता है विलेज, टू इंटीग्रेट आर विलेज इनटू डेवलपमेंट प्रोसेस, जो विकास करना है तो देखिए गाँव से विकास स्टार्ट होना चाहिए, तभी आप शहरों तक पहुँचेंगे, है ना। तो नेक्स्ट आता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाना इस काम में, जैसे कि मेकिंग पीपल अवेकन एंड पार्टिसिपेटिव, लोगों को जागरूक करना विकास के संबंध में, डेवलपमेंट का मतलब समझाना, पार्टिसिपेटिव करना। कैसे पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, कोई सफाई अभियान लगाया तो सबको बस इतना कहा अपने अपने घर की सफाई और घर के आसपास के एरिया की सफाई करनी है, दैट्स इट। तो देखिए कितना हमारा पूरा देश साफ हो जाएगा इस हिसाब से, है ना। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नेंस, गवर्नेंस को थोड़ा अच्छा करना, कैसे करेंगे, टू नर्चर एन ओपन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड पर्पसफुल। एक ऐसी गवर्नेंस होना, गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए देश में जो ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है और उसका जिसका कोई पर्पस है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, राइट। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है, मेंटेनिंग सस्टेनेबिलिटी एट द कोर ऑफ प्लानिंग, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को दिमाग में रखना। लेकिन दिमाग में कैसे रखेंगे, पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब देखते हैं, मीटिंग ह्यूमन नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। हमें अपनी ज़रूरतें इस हिसाब से पूरी करनी है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको रिसोर्सेज की कमी ना हो और वो भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। इसका मतलब क्या है, देखिए पीने का पानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, तो अगर हम उसे ढंग से यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो पानी बच सकता है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, डीजल है, तो देखिए
इनको अगर हम लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मिल जाएगा अच्छे से यूज़ करने के लिए। तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या क्या आता है, अंत्योदय, इंक्लूजन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। प्लस हमेशा कहते थे कि मैम प्लानिंग बहुत लंबा हो गया, अब और भी कुछ पढ़ाइए, कोई नया टॉपिक इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, कोई एक टॉपिक पकड़ा है तो वो पूरा तो करना पड़ेगा, है ना। अब प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, प्लानिंग में हमने कोई 8-10 लेक्चर मैंने प्लानिंग के बना दिए हैं, काफ़ी कुछ इसमें कंप्लीट कर दिया है। अगर कंबाइंड बनाती तो 1.5 या 2 घंटे की वीडियो बनती, बट ऐसे 10-15 मिनट की वीडियोज़ हैं तो आपको पढ़ने में भी ईजी है। तो देखिए, प्लानिंग हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, हम स्टार्ट करेंगे द LPG रिफॉर्म्स। हम कहते हैं ना, लिबरलाइजेशन क्या होती है, प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, बस उसके बारे में जानेंगे, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, राइट। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।